हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 6, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली यानी DOE की तरफ से वर्कशीट आई हुई है। क्लास 9 स्टूडेंट इंग्लिश, स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे, क्लास टीचर का नेम लिखेंगे और साथ में डेट डालेंगे, ठीक है। 20 जुलाई 2021 डेट डालेंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन होता है समझना किसी चीज़ को। देखो, जब भी आप कोई भी चीज़ समझते हो, पहले उसको सुनते हो, फिर समझते हो, फिर बोलते हो, ऐसे ही आप जैसे बुक्स पहले रीड करते हो, रीडिंग करके समझना, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, COVID-19 गेव अस एन अपॉर्चुनिटी। COVID-19 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक अवसर दिया है टू एक्सप्लोर करने का, फैलाने का। क्या द रोल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के रोल यानी भूमिका इंटरनेट की क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासरूम, हमारी क्लासरूम में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने का या इंटरनेट को रोल को एक्सप्लोर करने का हमें अपॉर्चुनिटी दी है COVID-19 ने, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ही तो हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होता है प्रभाव। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे ऑन अस, हमारे ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। लेटस लुक, लुक मतलब हम देखते हैं, लुक एट इट्स इम्पैक्ट, इसके इम्पैक्ट की, इसके प्रभाव की तरफ तो देखते हैं। रिफ्लेक्ट ओवर, और क्या इसके रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जो भी पहलू है, एस्पेक्ट होता है पहलू, चाहे वो नेगेटिव पहलू हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे सकारात्मक हो, ठीक है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपका टॉपिक है। जो मेन हेडिंग है वो है रोल ऑफ इंटरनेट एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं, जिसके पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है इसके, ठीक है। पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे फर्स्ट है, इट इज एन इफेक्टिव वे टू लर्न, ये काफ़ी इफेक्टिव है, लर्न करने के लिए काफ़ी प्रभावशाली है। इट प्रिपेयर तैयार करती है स्टूडेंट टू यूज इट इन फ्यूचर कैरियर्स, फ्यूचर में जो भविष्य में आपको अपना करियर बनाना है उसमें, उसके लिए आपको प्रिपेयर करती है कि कैसे इसको यूज करना है इंटरनेट को, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिविजिट टूल्स, स्टूडेंट अपने आप ही सीखते हैं, ठीक है, अपने आप ही विजिट करते हैं टूल्स से, सभी टूल्स यानी व्हाट्सअप है, चाहे आपका ईमेल आईडी है, तो आप खुद ही चलाते हो ना इनको, तो आप इन टूल्स को सीखते हो। इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल, कि प्रोवाइड यानी प्रोवाइड मतलब प्रदान करता है एक्सेस, पहुंच कहाँ तक, इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल, लार्ज मतलब काफ़ी बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पर आपको ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। नेट पे आप कुछ भी सर्च मार सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मोनिटर, देखो ये सबसे बढ़िया बात है कि स्टूडेंट है जो अपना सेल्फ मोनिटर है, खुद का मोनिटर खुद ही है, देयर प्रोग्रेस, कि वो कितनी प्रोग्रेस करता है, अब वो खुद देख सकता है कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। गूगल फॉर्म में टेस्ट भेजते हैं तो उसके आंसर भी साथ में मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ और मैं कितना कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आप सेल्फ मोनिटर कर सकते हो, अपने आप को सेल्फ जज कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट कैन पॉसिबल लर्न फ्रॉम एनीवेयर, स्टूडेंट कहीं से भी सीख सकता है, मतलब अपने फ्रेंड से सीख सकता है, टीचर से सीख सकता है, गूगल से सीख सकता है, यूट्यूब से सीख सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं कि नेगेटिव क्या क्या पॉइंट है इसके, ठीक है। देखो, रिहेबिलिटी ऑन मेयरली लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, कि सिर्फ हम मेयरली केवल क्या करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन गूगल से ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट में बिकम इन इफेक्टिव लर्नर, और स्टूडेंट है ना जो इफेक्टिव नहीं है,
इन इफेक्टिव हो गए हैं, यानी वो इफेक्टिव प्रभावशाली नहीं रहे, ठीक है, लर्नर नहीं रहे, सीखने वाले नहीं रहे। एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ नेविगेट लीड और टू फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि उनको नॉलेज नहीं है, लैक मतलब कमी है, किसकी कमी है, नॉलेज की। एट द टाइम, इस टाइम पे उन पे नॉलेज की कमी है और उनको लीड करने वाला कोई नहीं है, नेतृत्व करने वाला, कि वो फॉल्स यानी गलत क्या है और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो, इनएक्यूरेट मतलब जो सही नहीं है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज्ड, अब क्योंकि आप व्हाट्सएप पे ही काम करते रहते हो, गूगल फॉर्म पे टेस्ट दिया वो भी आपने टिक ही करना है, क्लिक करना है, तो हैंड राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो मिनिमाइज हो रही है, यानी कम हो रही है आपकी। अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट, और इंटरनेट क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड यानी मतलब नेट ख़त्म ही हो जाता है लेकिन आपका काम नहीं ख़त्म होता। यूजेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन IA, ठीक है, ये यूसेज ऑफ लीडिंग इंटरनेट एडिक्शंस की तरफ दिखाता है। तो हम इस पे बेस्ड अब क्वेश्चन है, कुछ देखो क्वेश्चन क्या होंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है प्रिपेयर करती है, तैयार करती है स्टूडेंट को फॉर डैश बिकॉज दे गेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, क्योंकि वो अपने प्रैक्टिस खुद से करते हैं एंड लर्न डिफरेंट टूल्स, और डिफरेंट टूल्स को सीखते हैं, तो ये क्या हुआ, वो फ्यूचर करियर बना रहे हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट फॉर फ्यूचर करियर्स, वो फ्यूचर का अपना करियर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने हैंड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने हाथों से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को खोल के सीख रहे हैं कि इसका क्या यूज है, क्रोम का क्या यूज है, यूट्यूब का क्या यूज है, ठीक है। सेकंड देखें, स्टूडेंट कैन लर्न एट डैश प्लेस, कैसे पेस पे देख रहे हैं स्टूडेंट, टीचर्स के, क्लासमेट के, फ्रेंड्स के, या देयर ओन, स्टूडेंट अपने देयर ओन अपना आपका अपने खुद ही सीख रहे हैं ना, अपने खुद के लेवल पे अपने आप ही सीख रहे हैं। एडिक्शंस मीन्स डेफिशिएंसीज, तो एडिक्शंस का एडिक्शन देखो, एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन होता है किसी चीज़ की लत पड़ जाना, ठीक है, तो एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी, डिपेंड रहना किस पे, ऑन एनीथिंग, तो डिपेंडेंट डिपेंडेंसी ऑफ ऑन एनीथिंग यानी किसी चीज़ पे डिपेंड होना, एडिक्शन यानी कहते हैं ये तो बिल्कुल एडिक्ट हो गया, एडिक्ट मतलब उसको लत पड़ गई, ठीक है। फोर्थ देखिए, डैश प्रोवाइड एक्सेस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट, ठीक है। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन, हम इंटरनेट की एडिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी उसको इंटरनेट की जो लत लग जाती है हमें उसको थोड़ा दूर कर सकते हैं, कैसे, सेल्फ कंट्रोल, शॉर्ट ब्रेक, सेटिंग टाइम लिमिट, तो ये सभी बातें करके हम टाइम लिमिट कर सकते हैं कि इतने लिमिट तक हमने काम करना है नेट पे, इतनी टाइम करना, शॉर्ट ब्रेक लेके भी हम कर सकते हैं, और सेल्फ कंट्रोल तो सबसे मस्ट है, सेल्फ कंट्रोल ही होगा जब भी, तभी तो हम काम करेंगे, तो ऑल ऑफ दिस ये ठीक रहेगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है स्टूडेंट की लर्न करने में, अटेंड क्लास, क्लास अटेंड करने में, ठीक है, कहाँ पर, स्कूल ओनली, होम ओनली, नेबरहुड ओनली, एनी वेयर, कहीं भी कर सकती है क्लास, तो आप कहीं पे भी अटेंड कर सकते हो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जर्नली गेट्स डैश बाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से हैंड राइटिंग क्या हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, यानी कम हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टू नेविगेट ऑन एडिक्ट डज नॉट रेफर, जस्ट अ सेकेंड, तो नेविगेट का मतलब क्या होता है, टू नेविगेट ऑन इंटरनेट डज नॉट रेफर टू यानी किस की तरफ संकेत नहीं करता, ब्राउजिंग की तरफ तो संकेत करता है, ग्लांसिंग भी देखना होता है,
थ्रो भी होता है, अबंडेंट होता है छोड़ना, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा अबंडेंट की तरफ, यानी छोड़ने की तरफ है, नहीं करता, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।